दिल्ली एनसीआर समेत सोनीपत में भी देर रात बारिश हुई है और बारिश के कारण मौसम में बदलाव देखा जा रहा है और मौसम का मिजाज बदलने से कहीं ना कहीं ठंड भी बढ़ी है और लिहाजा जिस प्रकार से मौसम विभाग द्वारा पहले से अलर्ट जारी किया गया था, तस्वीरें भी हम आपको दिखा देते हैं कि मौसम में जो है लगातार बदलाव देखा जा रहा है और ऐसे में जो है ठंडी हवाएँ भी चल रही है और मौसम विभाग द्वारा जिस प्रकार से अलर्ट जारी किया गया था और अलर्ट के बिहार पर आज जो है आज और कल 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा तेज हवा चलने की उम्मीद मानी जा रही है और ऐसे में जिस प्रकार से ये तस्वीरें देखी जा सकती हैं कि काफ़ी तेज़ हवाएं चल रही हैं और जिस प्रकार से गेहूं की फसल की अगर बात करें तो ऐसे में मौसम विभाग के अलर्ट के बाद कृषि विभाग द्वारा भी अलर्ट जारी किया गया है, एडवाइजरी जो है वो जारी की गई है क्योंकि गेहूं की फसल के लिए जहां ये बारिश संजीवनी बूटी की तरह काम करेगी तो वहीं दूसरी तरफ जो सरसों की फसल है उसके लिए कहीं ना कहीं विपरीत प्रभाव पड़ सकता है। इसीलिए कृषि विभाग द्वारा अलर्ट जारी करते हुए कहा गया है कि बारिश अगर होती है तो बारिश के दो दिन बाद सरसों की फसल की कटाई करें, बारिश के दौरान अपनी सरसों की फसल की कटाई बिल्कुल ना करें क्योंकि इससे न केवल फसल को नुकसान होगा बल्कि दूसरी तरफ अगर बात करें तो वहीं मौसम विभाग द्वारा 4 तारीख को मौसम साफ होने की उम्मीद मानी जा रही है। आज और कल दोपहर तक इसी प्रकार से मौसम के रहने की उम्मीद मानी जा रही है और निश्चित तौर पर जिस प्रकार से मौसम में बदलाव हो रहा है और मार्च के पहले दिन ही बारिश ने स्वागत किया और ऐसे में जो है लगातार हॉस्पिटलों में भी ओपीडी की संख्या बढ़ रही है, मरीजों की संख्या बढ़ रही है तो ऐसे में लोगों को भी परेशानी ज़रूर हो रही है। जहाँ सुबह शाम ठंड देखी जा रही थी अब दो दिन से बारिश होने से सुबह दिन के समय भी ठंड देखी गई है और लिहाजा यह 3 तारीख तक इसी प्रकार से मौसम के रहने की उम्मीद मानी जा रही है। हालांकि मौसम विभाग द्वारा जो अलर्ट जारी किया गया है उसी बिहार पर अब मौसम विभाग द्वारा ये भी कहा जा रहा है कि 4 तारीख को मौसम पूरी तरह से साफ हो जाएगा। हालांकि वेस्टर्न डिस्टरबेंस के चलते इस प्रकार मौसम में बदलाव देखा जा रहा है और आगामी दिनों में भी इसी प्रकार का बदलाव जो है कल तक देखने को मिलेगा। लेकिन जिस प्रकार से बात करें तो मौसम विभाग द्वारा ये भी क्लियर किया गया है कि मौसम में जहां नमी की मात्रा बढ़ रही है तो दूसरी तरफ तेज हवाएं भी चल रही हैं, करीबन 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा चलने की उम्मीद मानी जा रही है। सोनीपत से इंडिया न्यूज हरियाणा के लिए राम सिंह।